भाई साहब ये हमारे साथ इतना जुल्म है, ये देखो माजूर मोहताज मांगने वाले, ये इधर आधा पे आधा ये जुल्म कर रहे हैं गरीबों के साथ। ये क्या इंसाफी है हुकूमत की? हम गरीब लोग किधर जावें, आटे के लिए मजबूर हैं। इधर किराया दें, आटा दें, क्या करूं? अभी बताओ क्या जुल्म है, ये क्या मुसीबत मचा दिए। ये जो भी ऊपर आता है तो और महंगाई, ये गरीबों को मारने के चक्कर में हो। ये गरीब अंगूठे लगा तुम्हारे को ऊपर करते हैं, वो जब तुम कुर्सियों पे बैठ जाते हो गरीबों को भूल जाते हो। तो क्या तुम्हारे घर में है, क्या नहीं है? तुमने तो बढ़ा दी महंगाई। अभी इधर आके देखो ना, सुराब गोठ में मैं खड़ा हूँ, बच्चों के साथ जा रहा हूँ मिलने के लिए। अभी किराया इतना नहीं है जो मैं पहुँचूँ, खर्चा तो मैंने पहले भेज दिया, अभी किराया मेरे पास नहीं है मैं घर पहुँचूँ। ये क्या मुसीबत है हमारे साथ, ये क्या जुल्म कर रहे हो? ये कुर्सी वाले तुम्हारे को, ये खुद ऊपर देखेगा, ये कुर्सी वाले बैठने वाले गाड़ियों वालों के साथ तुम्हारे को ये खुदा देखेगा। हमारा इंसाफ ये करेगा, मैं नहीं जा रहा हूँ ईद पे, इधर ही हूँ, मेरे बच्चे जाने उनका ये खुदा जाने, बाकी आपको अल्लाह ताला देखेगा। भले कुर्सियाँ पे बैठो, वडेरे लोग के लिए तो कुछ नहीं है, 5,000 किराया हो जाए पहुँच जाएंगे। हम लोगों का सोचो, हम किधर जाएं, मांग मांग के 3 महीने इधर गांड मराई है, अभी बच्चों के साथ नहीं मिल रहा हूँ। मेरे दिल में क्या हो रहा है? तुम्हारे को खुदा गर्क करे, हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम उधर कुर्सियाँ पे आराम से टांग टांग के ऊपर रख के बैठे हो, या इधर हमारे साथ देखो क्या जुल्म हो रहा है, क्या किरायों की महंगाई बढ़ गई है। और क्या हम किराए देवे या क्या उधर आटा लेवे, 700 किलो घी कर दिया है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये तुम्हारे को खुदा देखेगा। अभी हमारा जो भी इंसाफ है, खुदा करेगा, तुम सबको गरक करेगा। हम तो ऐसे ही गरक हो गए। खुदा हाफिज। इंसाफ करो या नहीं करो, तुम्हारा मर्जी है, मेरी दाह ये खुदा को है। अल्लाह पाक देखेगा, तुम सबको इधर ही गरक हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम।